नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वंशकार के एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने सामने आप देख रहे हैं टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 2.4 है, ZX 7 सीटर वेरिएंट है ये। 2023 में नई वाली जो फेसलिफ्ट इनोवा क्रिस्टा आई हुई है डीजल में, वो वाली। शुरुआत में तो टोयोटा ने भाई लोगों को थोड़ा सा उसमें रखा कि हाई क्रॉस आ रही है, उसके बाद डीजल बंद हो जा रही है, लेकिन डीजल फाइनली आ गई है। लोग बहुत ज्यादा इसको जो है लाइक कर रहे हैं। और एक जो QDR बेस पे काम करती है टोयोटा इनोवा, वो जो है इसमें आपको मिल जाता है। ऑल वर्ल्ड में हर जगह जो है आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल इसके हम सारे जो है की फीचर्स, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, वो सब कुछ यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ दिस कार। तो भाई अगर हम फ्रंट से देखते हैं ना, तो मेजर जो चेंजेस किए गए हैं इसे ग्रिल में किए गए हैं। ग्रिल आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ग्लॉसी ब्लैक मिल जा रहा है ग्रिल इसका ओवरऑल। बीच में टोयोटा का बड़ा सा लोगो मिल जाता है। और वो वाला जो किनारे किनारे जो ये आपको क्रोम दे दिया गया है ना, ये इसके लुक्स को काफी ज्यादा, बगल में आप पुरानी वाली इनोवा क्रिस्टा देख रहे होंगे तो उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताना भाई अच्छी कौन सी लग रही है। तो फिलहाल ये है ऐसा कुछ इसका फ्रंट प्रोफाइल। ग्रिल आप ग्लॉसी ब्लैक में देख पा रहे हैं और चारों तरफ क्रोम का गार्निश यहाँ पे मिल जाता है। नीचे क्रोम में ही क्रिस्टा लिखा हुआ मिल जाएगा ग्लॉसी ब्लैक, ये आप देख लीजिए ऐसा कुछ ग्रिल दिया गया। ये टॉप मॉडल जेड में हम देख रहे हैं, बाकी नॉर्मल प्लास्टिक का मिल जाता है इसके बेस वेरिएंट में। तो ये हो गया इसका सामने का ओवरऑल प्रोफाइल। और ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प मिल जाते हैं, नीचे यहाँ पे फोग लैम्प मिल जाता है, यहाँ पे भी क्रोम का गार्निश दिया गया है। छोटी छोटी चीज पूरा जो है, मतलब अगर टॉप मॉडल जेड में जाते हैं, ZX 7 सीटर है ये, तो मिल जाते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी इसमें हमको मिल जाते हैं। नीचे यहाँ पे स्किड प्लेट दिया गया है। तो ओवरऑल ऐसे फ्रंट से कुछ मस्कुलर सा लुक लिए हुए इनोवा क्रिस्टा हमको दिख जाती है। चलिए इसके चलते हम साइड प्रोफाइल की तरफ। और साइड प्रोफाइल से देखते हैं तो इनोवा क्रिस्टा भाई लाजवाब दिखती है, काफी ज्यादा बल्कि और काफी ज्यादा जो है लोगों के दिलों पे राज करने वाली, ये आप समझ सकते हैं। और इसके अगर हम डायमेंशन की बात करें, लेंथ जो हमको इसका मिल जाता है वो 4735 mm का मिलता है भाई, 4735 mm का जो है यहाँ पे इसका लेंथ मिल जाता है। अगर हम इसकी व्हील बेस की बात करें तो 2750 mm का व्हील बेस मिलता है भाई। इसकी यही सब वजह है ना, इसके इंटीरियर में जो स्पेस है ओवरऑल, वो अच्छा खासा स्पेस हमको यहाँ पे मिल जाता है। और अभी हम अंदर चल के भी बात करेंगे ओवरऑल स्पेस वगैरह जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है। और वहीं इसके हम टायर सेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमको 17 इंचेस के अलॉय मिल जाते हैं, 255R17 का प्रोफाइल दिया गया, ट्यूबलेस रेडियल टायर के साथ में आता है। और नीचे देख रहे हैं आप डुअल टोन में मशीन कट यहाँ पे अलॉय दिए गए हैं। यहाँ पे इसके ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हो, एग्जैक्टली जो ग्राउंड क्लियरेंस है, यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस 178 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिल जाता है। बाकी ओवरऑल आप ऐसे कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे सस्पेंशन ट्रेवल्स देख सकते हो काफी ज्यादा है। और गाड़ी जो है वो QDR बेस्ड पे है, तो क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी और एक रिलायबिलिटी लिए हुए इनोवा क्रिस्टा हमको मिल जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम का यहाँ पे पूरा विद एसेसरीज यहाँ पे ये अवेलेबल है। और यहाँ पे ORBM मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ में, डोर हैंडल्स यहाँ पे क्रोम में ही दिया गया है। ये सब एसेसरीज के पार्ट हैं जो कि इसके लुक्स को काफी ज्यादा मेंटेन करते हैं। अगर हम इसके रियर साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ आप देख सकते हैं, 2.4Z की वेरिएंट मिल जाती है सबसे पहले, तो ये जेड वेरिएंट है तो उसकी वेरिएंट यहाँ पे मिल जा रही है। और बीच में टोयोटा का लोगो दिया गया, इनोवा क्रिस्टा लिखा हुआ मिल जाएगा। और इसके जो टेल लैम्प है ना, वो भी आप LED में पाएंगे, जो कि काफी से ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है यहाँ पे, रियर वाइपर मिल जाते हैं और ये सब कुछ टेल लैम्प यहाँ पे दे दिए गए। इसमें रियर जो है कैमरे भी हमको मिल जाते हैं जेड वेरिएंट में। तो नीचे देखें तो नीचे का जो बम्पर है उसमें हमको रियर पार्किंग सेंसर्स भी हमको मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर दो पॉइंट पे दे दिए गए हैं। और हाई माउंट स्टॉप लैम्प ऊपर, शॉर्ट फिन एंटीना भी इसमें हमको मिल जाता है। तो पीछे से ये गाड़ी कैसी दिख रही है वो आप कमेंट जरूर करना। नीचे इसके जो एक्स्ट्रा व्हील्स हैं वो दे दिए गए, नीचे लगाते हैं क्योंकि बूट स्पेस में नहीं लगे, 300 लीटर का उसमें बूट स्पेस मिलता है और थर्ड रो की वजह से बूट स्पेस थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए वजह से इसका जो एक्स्ट्रा व्हील्स है वो नीचे स्टेपनी लगाई गई रहती है। तो बूट स्पेस को हम ओपन करते हैं और इसके हम बूट स्पेस पे एक नजर डालते हैं। तो यहाँ पे 300 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है। पीछे का जो थर्ड रो आप देख सकते हैं उसको हम स्प्लिट करते हैं तो बूट स्पेस हमें अच्छा खासा मिल जाता है। अगर हम 5 लोग यात्रा कर रहे हैं तो उसको हम आराम से स्प्लिट कर सकते हैं।
यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा थर्ड पर्सन के लिए हेडरेस्ट दिया गया है साइड में, और कुछ ऐसी इंटीरियर वगैरह देख रहे थे। फिलहाल हम अंदर चल के बात करते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या चीजें हमको मिलती हैं। तो चलते हैं इसके अंदर में और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें मिल रही है। शुरुआत हम ड्राइवर साइड डोर से करेंगे। तो ऐसे कुछ डोर ट्रिम मिल जाते हैं, काफी यूनिक सा लगता है, एकदम सिंपल स्मार्ट तरीके से। भाई टोयोटा ब्रांड ही ऐसी है। यहाँ पे फैब्रिक जो है चीजें मिल जाती हैं कुछ, और ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर से सिल्वर सा कलर मिलता है। यहाँ पे चारों पावर विंडो कंट्रोल ऑटो ब्राउन के साथ में आते हैं, और लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है। ORBM भी जो कंट्रोल है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल जो है और फोल्डेबल दोनों के साथ में आती है। और यहाँ पे जो डोर हैंडल्स है वो क्रोम में मिलते हैं। यहाँ पे ये वाले जो पार्ट है ये यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक में दे दिया गया है। नीचे अगर देखें तो काफी ज्यादा स्पेस दे दिया गया है। स्पीकर सेटअप मिल जाते हैं, और हम यहाँ पे ट्विटर का एक ऑप्शन छोटा सा दिया रहता है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई ये इसकी जो इंटीरियर, भाई डैशबोर्ड देखने के बाद लगता है यार इनोवा किस्ता। और वहीं आप वीडियो देखे होंगे जो हाई क्रॉस का इंटीरियर, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर लगता है। और ऐसा कुछ मैनुअल ट्रांसमिशन में, 5C मैनुअल ट्रांसमिशन में, तो ये चीजें हम अभी इंजन सेगमेंट में चलेंगे। तो हम क्योंकि जेड वेरियंट हम टॉप मॉडल देख रहे हैं, तो कुछ चीजें जो इसमें स्पेशल दे दी गई, जो स्टेयरिंग है ये भी इसमें लेदर रैप स्टेयरिंग मिल जाते हैं। अपहोल्स्ट्री जो है वो भी लेदर मिलती है। तो कई ऐसे चीज हैं जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो, डिजिटल और साथ में यहाँ पे डिजिटल MID मिल जाते हैं, काफी ज्यादा मल्टी इंफॉर्मेशन के साथ में आते हैं और काफी स्पोर्टी दिखती है। यहाँ पे स्टीयरिंग मॉनिटर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल का बटन दिया गया है, और यहाँ पे टोयोटा का लोगो दे दिया गया है, और हाइट के अकॉर्डिंग हम इसको स्टीयरिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं। टिल्ट और टेलीस्कोपिक का भी ऑप्शन इसमें हमको मिल जाता है। ओके तो यहाँ पे SRS एयरबैग देंगे। तो टोटल ओवरऑल जो है सेफ्टी फीचर्स के मामले में टोयोटा की बात ही अलग है। यहाँ पे टोटल 7 एयरबैग्स हमको मिल जाते हैं। और एक बार फिर से आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे AC वेंट्स की बात करें तो बीच वाला जो AC वेंट्स कुछ ऐसे मिल जाते हैं। साइड में भी AC वेंट के किनारे किनारे जो गार्निश दिया गया है सिल्वर सा, वो जो है इसके लुक्स को काफी ज्यादा इंप्रेसिव बना देता है। और ऐसा कुछ AC वेंट्स यहाँ पे जो AC के कंट्रोल्स है वो यहाँ पे ऑटो फीचर्स के साथ में आ जाते हैं। और यहाँ पे वुडन ग्लॉसी चीजें दे दी गई हैं। नीचे यहाँ पे एयरबैग ऑन ऑफ का जो बटन दिख जाता है, चार्जिंग स्लॉट दिया गया है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट के साथ। नीचे काफी ज्यादा स्पेस दे दिए गए हैं, और 5C मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे मैनुअल इसके गियर नॉब वगैरह मिल जाते हैं। स्पेस के मामले में बात करें तो काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है इनोवा क्रिस्टा में। हैंड ब्रेक्स, थोड़ा सा ग्लास होल्डर्स, और यहाँ पे कूल ग्लोव बॉक्स यहाँ पे हमको मिल जाते हैं, दो अपर और डाउन के साथ में, काफी डिसेंट स्पेस के साथ में। और ऐसा कुछ साइड से अगर हम देखते हैं तो साइड वाली जो डोर ट्रिम है वही सारी चीजें मिल जाती हैं। और सीट इसमें कैप्टन सीट टाइप के यहाँ पे सीट हमको मिलते हैं जो कि लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ में आते हैं। और क्वालिटी की बात, भाई टोयोटा इनोवा तो बात ही अलग है। अपने क्वालिटी जो QDR बेस्ड है वो तो टोयोटा ने QDR बेस्ड पे ही अपना जो एक पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया है वो चीजें यहाँ पे जो ये चीजें दे दी गई देख रहे हैं ये, भाई काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे एक एम्बिएंट लाइट वाला जो फीचर्स है ना वो काफी इम्प्रेसिव लगती है, जो कि आपको उसमें नहीं मिलता। क्योंकि जो हाई क्रॉस है उसमें सनरूफ मिलते हैं, तो इसमें सनरूफ नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ बनाए जो है थोड़ा सा स्टाइलिश जरूर है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, स्पेस काफी अच्छा है, चाहे वो अंदर साइड सपोर्ट हो, चाहे वो लेग रूम हो, चाहे वो हेड रूम हो। 8-way सीट एडजस्टेबल का ऑप्शन भी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन भी यहाँ पे हमको दिया गया है। जेड वेरियंट पे हम देख रहे हैं तो इसके थ्रू हम अपनी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल ये फ्रंट का इंटीरियर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। काफी कुछ फीचर्स हैं इसमें, क्योंकि हमारा माइक काम नहीं किया था इस वजह से हम इसमें वॉइस ओवर कर रहे हैं। जनरली आप देखते हो कि हमारी जो वीडियोस रहती है वॉइस ओवर के साथ में नहीं आती हैं, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हमसे हुई होंगी, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या जो है अगले वीडियो में हम जो है आपको लाइव चीजें दिखाएंगे जरूर।
फिलहाल अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ भी यार ये जो घड़ी देख रहे हो ना टोयोटा में, भाई क्लासी क्लासी ने चीजें भरी हुई है। 30 लाख की गाड़ी है, उसमें भी क्लासिक चीजें मिल जाती है, बहुत ज्यादा तामझाम चीजें नहीं मिलती है। आप इनोवा क्रिस्टा में देखते होंगे, और भी इसके जो है कंपेरिजन में गाड़ियां आती हैं, बहुत कुछ उसमें दे दिए गए हैं, लेकिन भाई बिकती ज्यादा यही है और बहुत सारे वेटिंग भी चल रहा है। तो लोग अपने सेफ्टी को ज्यादा ध्यान में रखते हैं, चीजों को जो है थोड़ा अगर उनको कम भी मिल रहा है फीचर्स, फिर भी काम चल जाता है। तो चलिए इसके हम रियर केबिन में चलते हैं। तो यहाँ पे कैप्टन सीट्स मिलते हैं, डोर ट्रिम पहले देखते हैं, डोर ट्रिम वैसे ही फ्रंट की तरह ही मिलते हैं। यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं, वुडन ग्लॉसी का जो है ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाया गया है, और ऐसे कुछ जो है फैब्रिक भी चीजें मिल जाती हैं। नीचे स्पेस मिल जाता है बोतल होल्डर का, और स्पीकर अंदर का स्पेस आप देख सकते हैं काफी स्पेसियस है, सेकेंड रो जो है इसका, और कैप्टन सीट के साथ में आती है। 7 सीटर हम देख रहे हैं, तो पीछे 3 लोग बैठ सकते हैं। एक पहले ही हम दिखा चुके हैं जो हेडरेस्ट का ऑप्शन है, वो एसेसरीज के तौर पे दिया गया है अलग से पीछे, और सारी जो जो यहाँ पे सीट है सभी में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। फिलहाल ऐसा कुछ आप देख सकते हैं स्पेस। आगे वाला जो सीट है उसको हम पूरा पीछे कर चुके थे, उस हिसाब से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कैसा स्पेस मिल जाता है। जो इसके एसी वेंट्स हैं वो रियर एसी वेंट्स भी हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये ऐसा ट्रे देख सकते हैं, आप लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं उस रख सकते हैं, या कोई जो है आराम से ड्राइव करते यात्रा करते टाइम यहाँ पे अपना नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे ग्लास होल्डर भी मिल जाते हैं, इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे मिल जाती हैं। फिलहाल ये इंटीरियर आपको कैसी लगी कमेंट पे, ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पे चीजें दे दी गई हैं। ऊपर का जो एम्बिएंट लाइट वाला फीचर्स ना यार क्या गजब का लगता है, एसी वेंट्स भी ऊपर दे दिए गए हैं, डिजिटली यहाँ पे दिखती रहती हैं। और यहाँ पे पीछे वाला जो थर्ड रो का एसी वेंट्स है वो कुछ इस टाइप से मिल जाते हैं। ओवरऑल जो केबिन है वो आप ऐसा कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे हैलोजन लाइट्स पीली लाइट मिलती है इंटीरियर में, थोड़ा सा यहाँ पे LED दिया जा सकता था। फिलहाल ऐसा कुछ ग्रैब हैंडल्स वगैरह मिल जाते हैं। तो भाई ये इसका ओवरऑल इंटीरियर आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर एक बार बताना। इनोवा क्रिस्टा के बारे में क्या स्टोरी है आपकी, आपको कैसी लगती है, इसके बारे में कुछ स्टोरी हो आप जरूर हमसे साझा करें। और इसके थर्ड रो को हम एक्सेस कर सकते हैं इस सीट को जो है फोल्ड करके ऐसे कुछ, और फिर थर्ड रो में जा सकते हैं। तो इंजन सेगमेंट की तरफ चलते हैं, तो भाई यहाँ पे 2.4 लीटर डीजल इंजन हम देख रहे हैं 2393 cc के साथ में, और ये जो है यही वजह है कि जो इसका जो है CRDI डीजल इंजन है ना, इसी वजह से इनोवा क्रिस्टा काफी ज्यादा पॉपुलर हुई है। और जो कि अगर हम मैक्सिमम पावर की बात करते हैं तो 147.51 BHP का मैक्सिमम पावर जनरेट करती है विद 343 Nm का टॉर्क। तो भाई ये इनोवा क्रिस्टा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ में, थैंक यू सो मच।